सब्सक्राइब करें बेसिक एजुकेशन को और बेल आइकॉन दबाएं मजीद अच्छी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एंटीबॉडी वर्ड अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो शायद आपको ये नहीं पता होगा कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। एंटीबॉडीज हमारे शरीर को हार्मफुल पार्टिकल्स से बचाती हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स का एक रूप है और ये इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे शरीर में अगर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होता है या एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा होता है तो हम बहुत बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि एंटीबॉडीज आती कहाँ से हैं? एंटीबॉडीज ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होती रहती हैं और ये शरीर के हर हिस्से में पाई जाती हैं। एंटीबॉडीज हार्मफुल एजेंट्स या एंटीजेंस को पहचान कर इन्हें बॉडी से हटाने के लिए केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करती हैं। एंटीजेंस अनडिजायर्ड सब्सटेंस होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। एंटीजेंस वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया या नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जैसे टॉक्सिक केमिकल्स और अनडिजायर्ड पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये डस्ट पोलन और एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर करने वाले फूड आइटम्स भी हो सकते हैं। एंटीजेंस की प्रेजेंस में इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। क्या आप बता सकते हैं कि एंटीबॉडीज किस तरह की दिखती हैं? एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ये वाई शेप्ड प्रोटीन्स होती हैं, जिसके चार तरह के पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। इनमें से दो एक जैसे लाइट चेन में और बचे हुए दो एक जैसे हैवी चेन के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे लाइट और हैवी का मतलब बड़े और छोटे से है। ये चारों पॉलीपेप्टाइड्स एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिजेस से कनेक्टेड होती हैं। डाइसल्फाइड ब्रिजेस एंटीजेंस को उनकी आर्म्स के जरिए एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे एंटीजेंस को अटैक किया जाता है। एंजाइम्स के अंदर होने वाली लॉक इन की मैकेनिज्म की तरह एंटीजेंस बाइंडिंग साइट यानी एंटीजेंस की आर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट में अगर एंटीजन के पार्ट्स फिट हो जाते हैं तो एंटीबॉडी को एंटीजेंस की प्रेजेंस का पता लग जाता है। एंटीबॉडीज एंटीजन बॉडी साइट में एंटीजेंस को रोक के आगे होने वाले डैमेज को रोकती हैं। एक जैसी दो बाइंडिंग साइट का मतलब है कि कोई भी एंटीबॉडी दो एक जैसी एंटीजेंस को एक साथ बाइंड यानी बांध सकती हैं। अलग अलग एंटीजेंस को बाइंड करने के लिए करोड़ों अलग अलग टिप स्ट्रक्चर वाली एंटीबॉडीज एग्जिस्ट करती हैं। एंटीबॉडीज की बड़ी मात्रा में वैरायटी होने के कारण इम्यून सिस्टम समान रूप से सभी एंटीजेंस की प्रेजेंस का पता लगा लेता है। ये एंटीजेंस को बाइंड करके सेल को डैमेज करने से रोकता है। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजिंग कहते हैं। मैमल्स में पांच तरह के इम्यूनोग्लोबिन आइसोटोप्स होते हैं। इनमें से प्रत्येक आइसोटोप अलग अलग तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस के लिए सीधे प्रतिरक्षा प्रक्रिया में सहायता करते हैं। एंटीबॉडीज लेबोरेटरी में तैयार की जाती है। क्यों और कैसे, इसके लिए ये वीडियो देखें। तो वाई शेप की एंटीबॉडीज हमें हार्मफुल एंटीजन से बचाती हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स के शेप का एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होने के कारण सभी एंटीबॉडीज के शेप में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है।